सिंगरौली में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फॉरेस्ट दफ्तर के पास कोरोना पीड़ित मरीजों के उपचार में उपयोग होने वाली पीपीई किट और ग्लव्स फेंके जा रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने का डर बना हुआ है। सिंगरौली में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के खतरे को खुलेआम दावत दे रहा है। फॉरेस्ट विभाग के पास से निकलने वाले नाले में कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में उपयोग होने वाली पीपीई किट और ग्लव्स को फेंका जा रहा है। पूरा नाला ग्लव्स और पीपीई किट से भरा हुआ है, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, नगर निगम द्वारा बीच रोड में फायर ब्रिगेड से दिन रात एम्बुलेंस की धुलाई की जा रही है, जिसको लेकर फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। एक हफ्ते से कंटिन्यू जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों को गाड़ियां लेके जाती है, उसमें उपयोग किए गए जो पीपी किट पहनते हैं, उस किट को ला करके यहाँ पे फेंकते हैं। हाथ का दस्ताना, मास्क, पीपी किट और पूरी गाड़ियों को यहीं पर धोते हैं, जबकि यहीं पे पूरा वनमंडल कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत, किशोर न्यायालय, छात्रावास, आदिवासी विकास कार्यालय, समस्त पूरे कार्यालय यहां पर हैं और यहां पर आवासीय परिसर में कर्मचारी भी निवासरत हैं। जहां ये खोया जा रहा है कोविड-19 की वाहन है, वो उससे मुश्किल से 40 से 50 मीटर की दूरी पर फॉरेस्ट कॉलोनी है, पुलिस लाइन बसी है, जहाँ बच्चे सपरिवार कर्मचारी लोग रहते हैं। और यहाँ 5 ऑफिस हैं, फॉरेस्ट डीएफओ ऑफिस है, ईपीडब्ल्यूडी की ऑफिस है, किशोर न्याय बोर्ड की ऑफिस है, जिला विधिक प्राधिकरण की ऑफिस है, पीछे सहायक आयुक्त ट्राइबल वेलफेयर है, इसके जस्ट बाजू में जिला पंचायत की ऑफिस है। तो इतने ऑफिसों के बीच में जो गाड़ियाँ धोई जा रही हैं, तो स्वाभाविक है इसमें किट भी फेंका गया है। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है? बहुत बड़ी लापरवाही है। और पीपीए के जो यहाँ फेंके गए हैं, उससे सभी में एक हमारे कॉलोनी में तो स्पेशली भय व्याप्त हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।